हेलो गाइस, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आयो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मम्मी बना रही है कढ़ी। और गाइस, मुझे तो कढ़ी बनानी आती नहीं है, मम्मी को ही आती है बहुत अच्छी कढ़ी बनानी। सारा सामान तो कुछ तैयार कर रखा था, कुछ नहीं कर रखा था। काफी लोग से मतलब काफी दिनों से मैंने ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं करी थी, और आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी नई नई रेसिपी बनाओ। तो आज मैंने बहुत जिद करके मम्मी से बोला, मम्मी प्लीज प्लीज, मुझे तो इतना अच्छा खाना बनाना आता नहीं है, तो आज आप कढ़ी बना दो। तो सबसे पहले मम्मी तैयार कर रही है पकोड़े बनाने की रेसिपी। तो मम्मी आप बताओ किस तरह से बना रहे हो। एक नंबर की रेसिपी, मतलब कढ़ी बनाती है मम्मी। और मैं आपको आज पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मम्मी ने क्या क्या चीज कैसे बनाई है, ठीक है गाइस? और आप लोग भी कमेंट बताना कि आप लोग भी इसी तरह बनाते हो या इससे भी अच्छा बनाते हो, या आपको मतलब किस तरह का बनाते हो, आप मुझे बताना जरूर कमेंट में, ठीक है? तो गाइज, मम्मी आपने क्या क्या ले लिया बना रही है मम्मी प्याज के पकौड़े? और मैंने बेसन ले लिया है, और प्याज, हरी मिर्ची, कलौंजी, अजवाइन, ये सबको डाल के, कड़ी पत्ता डाल के अभी तो पकौड़े तैयार कर रहे हैं, ठीक है? और गाइज पता है, आज हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि हम जब शाम को आ रहे थे ना, तो हम भीग गए थे पूरा। इतना भीग गए थे ना कि हमें जाके नहाना पड़ा और बाल बाल भी धोना पड़ा। अब तो बाल खैर सूख गए हैं। और चाय वाय पिया था, आते हमने चाय पिया और नाश्ता किया था, तो अब तो ठीक है, अब ठंड भी नहीं लग रही है इतनी। और गाइज मैं बहुत ही अच्छी चीज लेके आई हूँ, दिखा दो पेड़ छोटा सा। तो गाइज चलो मैं आपको दिखाती हूँ, इतने मम्मी डो बना रही है, उसका पकोड़े बनाने का सामान बना रही है। मैं चलो आपको पेड़ दिखा के आती हूँ। छोटा सा पेड़ है गाइज, कल हम लगाएंगे उसको, और बारिश का टाइम था तो इसलिए हमने उसे तोड़ लिया, नहीं तो हम तोड़ते नहीं। पागल है क्या, डरा दिया? देखना गाइज कितनी बुरी तरह डराया मेरे को। हेलो गाइज, दिमाग खराब, ऐसे मत किया कर मोनू, मैं तो डर गई बुरी तरह से। मोनू कितने स्मेल कहां से आ रही है इतना? देखो गाइज ये छोटा सा पेड़ है, अभी तो फिलहाल हमने इसे ढक रखा है अच्छे से, क्योंकि सुबह लगाएंगे, रात को तो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए सुबह लगाएंगे। और ये हमारे छोटे छोटे पेड़ हैं, और भी लगाएंगे गाइज। यहाँ ना भेड़ बकरी और पता नहीं गाय भैंस बहुत ज्यादा आते हैं, जिस वजह से ना यहाँ हम कुछ लगा नहीं सकते हैं। मोनू बिस्कुटी अंदर कर ही लेना। गाइज देखना, मैंने अपने मुँह पे टॉर्च मार रखी है, और अब मम्मी बना रही होगी शायद पकौड़े। डाल दिए नहीं क्या? हाँ, ये देखो ये बन रहे मम्मी के पकोड़े। तो गाइस हमने पकोड़े के लिए तो डाल दिए सारा सोडा। और तो आपने देख लिया गाइस मेरा पेड़ है। और आप अभी ये सोच रहे होंगे कि पेड़ तो मैंने बता दिया कि किस चीज, मतलब पेड़ लेके आई हूँ मैं, पर ये नहीं बताया कि किस चीज का लेके आई हूँ। तो मैं लेके आई हूँ मम्मी, देना लीफ जरा एक दे दो। बस सिर्फ ये बोलना कि क्या किस चीज का पत्ता है बताओ। तो गाइस देखो, ये आप ध्यान से देख लो किस चीज का पत्ता है, देखो। तो गाइस मैं तो देखो छाछ डाल रही हूँ अभी, तो ना वो बनाऊंगी इसका पानी, पानी बना देती हूँ जो क्या कहते तरी होती है जो। हाँ, तरी बना रही है मम्मी। और ये ध्यान से देख लो आप किस चीज का पौधा है जो मैं लेके आई हूँ। मैंने आपको दिखाया, आप मुझे कॉमेंट में बताना किस चीज का है। मुझे तो पता नहीं है, मैं बस ले आई हूँ। दो पैकेट डाल रही हूँ, दो पैकेट बहुत है हम लोगों के लिए। दो पैकेट बहुत है गाइस। बता, ब्लॉगिंग करने में ना समय चाहिए, और हमारे पास समय नहीं होता है। नहीं तो आप लोग तो हमें इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है आप लोगों से कि आप लोग सपोर्ट करते हो। और गाइस आजकल मम्मी के चैनल पे हम लोग बहुत कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी। तो आप लोग जाओ, प्लीज जाके वहाँ पे भी सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब से ही हमारी फैमिली और बड़ी होगी। हमें नहीं पता था कि हमारी फैमिली इतनी बड़ी है, और अब देखो हमारी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, तो हमें और स्पेस चाहिए औरों के लिए भी। तो जल्दी जल्दी आप लोग आओ और जल्दी जल्दी आके सब्सक्राइब करो। जिस जिसको आईडी नहीं पता उसको मैं बता देती हूँ, नीलम की दुनिया जाके डालो और मम्मी का चैनल आ जाएगा। जाओ और सब्सक्राइब करो, सारी वीडियो देखो, जो अच्छी लगे उसे लाइक करना, कमेंट में बताना, और अपना नाम भी बताना, और ये भी बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो। और गाइस ये पत्ता काफी अच्छा है, इसकी खुशबू भी काफी अच्छी, लो आप लोग भी सूंघ लो। हाँ, उनको खुशबू जा रही होगी ना, काफी अच्छी और खुशबू है इसकी, ठीक है। पकौड़े तो आरती खाती नहीं गाइस, पर मैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत शौक से। हाँ मुझे, मैं अगर मम्मी आप कढ़ी में आलू के पकौड़े डालोगे तो शायद मैं खा लूंगी, प्याज के पकौड़े मैं नहीं खा पाती हूँ।
प्याज के पकौड़े गाइस मेरे को अच्छे नहीं लगते इसीलिए। और मम्मी इनकी डिमांड ये भी थी कि आप वो बनाओ आज मैगी बोले तो मैगी चलेंगे। गाइस बारिश इतनी हो रही है, बताओ कहाँ से जाए क्या लो? हम खुद ही इतना भीग गए थे कीचड़ में, पूछो मत, बहुत ज्यादा समझे, तो इसीलिए हम मैगी चैलेंज नहीं कर पाए, सॉरी। करेंगे कोशिश तो पूरी रहेगी, करेंगे।